Good morning to all. Uh, today, I have, uh, we are here to uh, talk about the uh, good work which has been done by Bandardua Police Station. Uh, a murder case was reported on 5th of December 2021. A dead body of around 70 year old woman was uh, found in Bandardua area. And uh, this, uh, she was living on the side of a shop in Bandardua. Uh, she, there was a head injury. विच कॉज द डेथ अपरेंटली शी वॉज हिट बाई ए स्टोन तो जैसे ही हमें यह खबर मिला तो हमने इमिडियटली uh, वहाँ पर पहुँचे हमारा टीम इसके बाद क्योंकि हेड इंजरी था तो एकडिंगली एक थ्री नॉट टू आई पी सी का केस रजिस्टर किया गया मर्डर सेक्शंस में uh, बाद में हमने आइडेंटिफाई किया कि ये शी वॉज लेथ मागा येजा शी वॉज फ्राम दुम विलेज इन कामले डिस्ट्रिक्ट सी वॉज लिविंग इन बंदर डुआ फॉर ए फ्यू ईयर्स आफ्टर पी ओ वॉज विजिटेड वी कंडक्ट दी एम वॉज कंडेड एंड दिच वॉज यूज टू वी यूज एज दर्डर वेपन वॉज ऑल्सो सीज्ड वहीं से uh, लेकिन इसमें क्योंकि टोटली अनरिलेटेड था और अपने uh, काफ़ी ओपन स्पेस में ये इंसिडेंट हुआ है रोड के एकदम साइड में है तो इस वजह से uh, हमें कोई क्लू नहीं था इनिशियली तो इसके बाद हमने सारे एरिया के सीसीटीवी फुटेज जो है उसको बहुत बारीकी से चेक किया करीब बारह घंटे का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको स्टडी करने के बाद कुछ क्लूज़ हम हमें हाथ लगे और हमारा बंदरदुआ का हमने एक टीम गठन किया जिसका लीड इंस्पेक्टर तादू हसन जो कि हमारे ओसी बंदरडुआ हैं इनके साथ था और उनके साथ हेड कॉन्स्टेबल एस के झा कॉन्स्टेबल टी बुमद कॉन्स्टेबल आर श्रिंग एंड कॉन्स्टेबल जे कोयू ये सब सबका एक टीम हमने गठन किया और सारा सीसीटीवी फुटेज पहले स्टडी किया इसके बाद हमने काफ़ी लोकल सोर्सेज को भी इसमें इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने दो तीन सस्पेक्ट को जीरो डाउन किया और जीरो डाउन करने के बाद ग्यारह तारीख को एरेस्ट कर लिया पिताफुल एरिया से जो कि याजाली लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एक्यूज़ uh, जो है उसका नाम है विनोद बहादुर विश्वकर्मा जो कि अड़तीस साल का है uh, सामने ही शॉप में वो काम करता था पहले बेसिकली आयरन स्मिथ के शॉप में हेल्पर का, का काम करता है और uh, जो हमें अभी तक पता चला है जो एक्यूज़ था वो काफ़ी uh, उसने ड्रिंक किया हुआ था और उसी में क्योंकि uh, लेडी के साथ पहले भी झगड़ा uh, हो चुका था उसका तो उसने आके ये इंसिडेंट को किया है Uh, इसके बाद हम uh, अभी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं अगर कोई और सस्पेक्ट uh, और कोई और क्लू मिला तो फर्दर भी एक्शन होगा हाउ uh, क्योंकि एकदम टोटली ब्लाइंड केस था जिसमें बंदडोबा पुलिस स्टेशन ने बहुत ही uh, मेहनत किया और uh, इतना लंबा सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करके इसको सॉल्व किया है इसीलिए मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम एंड वी विल कीप वर्किंग ऑन इट Uh, जो भी मर्डर केस होता है वो हमारे लिए डेफिनेटली सबसे सीरियस केस है अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड 302 जीरो टू इज़ हिनियस हीनियस ऑफ ऑफेंसेस विच इज़ पॉसिबल जो कि uh, एक ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट होता है तो इसीलिए हर केस बहुत ही सीरियसली लिया जाता है एंड इन ऑल द केसेस वी कंडक्ट द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन दैट इज पॉसिबल डेफिनेटली जो रोड एक्सीडेंट्स की आपने बात करी है जो कि एक्चुअली मर्डर नहीं होता है दिट इज़ इट्स नॉर्मली कंसिडर्ड होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सो डेफिनेटली अरुणाचल में रोड एक्सीडेंट्स भी काफ़ी uh, देखा ज़्यादा देखा जा रहा है रिसेंटली uh, इसमें हमारे रोड्स अच्छे हो गए हैं तो स्पीड्स बढ़ गए हैं एंड रोड सेफ्टी मेजर्स जो है जैसे सीट बेल्ट पहनना हेलमेट uh, पहनना और uh, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो रोड सेफ्टी जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ, पुलिसिंग जो है सर्टेन लोकेशंस बट बाकी जो जगह है उसमें जो सेफ्टी है वो आपके अपने बिहेवियर और आ, जो आ, दूसरे साइड में जो गाड़ी चला रहा है दोनों के बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑन दिस साइड आल्सो हमारे आ, जो जनता है वो जागरूक रहें Uh, definitely uh, in heinous cases like this we take it uh, completely seriously and we will try and we will keep trying to solve all the uh, cases uh, which are which come uh, in front of us uh, we we are in contact with Lucknow police uh, throughout since the very first day and जो भी हमारे तरफ से मदद हो सकता है वो हम uh, अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं and uh, क्योंकि काफी इन्वेस्टिगेशन अरुणाचल के साइड में भी लाई करता है तो उनको उनकी टीम जब जब हमसे सपोर्ट चाहिए है तो हमने इमीडिएटली uh, प्रोवाइड किया है एंड आगे भी करते रहेंगे एंड व्हाट आई हैव सीन दैट द आवर पार्टनर्स फ्रॉम द अदर साइड इन लखीमपुर दे आर डूइंग टेकिंग द केस वेरी सीरियसली एंड उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को टॉप प्रायोरिटी में किया है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देयर वर्क